भूमि जब आती है ना तो ससुराल को अपना घर बना लेती है, परिवार वालों को प्यार देती है और सबका ख्याल रखती है। लेकिन तुमने क्या किया? पहली बार हमारे परिवार में ऐसी कोई चीज हो रही है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी अभी, चली जाओ यहां से, चली जाओ। और पहले भी एक बार ऐसा हुआ है, पता है? एक तुम्हारी जैसी लड़की आई थी, सबकी जिंदगी डिस्टर्ब करती, सब कुछ बिखेर के चली गई। बड़ी मुश्किल से हमारा पूरा परिवार संभला है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हम सब उभर पाए उससे, और उसके बाद तुम आ गई हो काला साया बनके। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं हम इस मनहूस को इस घर में। ये क्या कह रहे हैं अन्ना? मैंने चले जाओ यहां से। तुम्हें देख के मुझे वही बुरे साए की याद आती है। तुम्हारा चेहरा मुझे उसी की याद दिलाता है। तुम वही बुरा साया हो इस वक्त हमारे घर पे, हमारे परिवार पे। चली जाओ यहां से। पीछे आप क्या कह रही है? सही तो कह रही हूं, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? चली जाओ यहां से अभी इसी वक्त। पापा, पापा, आप मुझ पर ट्रस्ट करिए ना। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आप तो समझिए। टेंशन मत लो, दादी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। दादू बोलो ना प्लीज। हरलीन सही कह रही है, मैं उसके साथ हूं। कहा ना मैंने, मैं तुम्हारा चेहरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या, मेरा पूरा परिवार नहीं कर सकता। चली जाओ हम सबसे दूर, चली जाओ। देख के आ रही हो, बुलाओ पुलिस को, बहुत बड़ा अपराध है ये, हमें उन्हें तुरंत बताना पड़ेगा। लेकिन वो बुजुर्ग लेडी की सर्जरी चल रही है सर। तो वो और लेडी की सर्जरी चल रही है ना, उस लड़की की नहीं जिसने तुम्हें कैश पैसे दिए थे, राइट? नहीं सर। क्या नाम है उसका? सर पूर्वी। पूर्वी, हाँ, वो तो नहीं है ना सर्जरी में? नहीं सर। तो फिर ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? लगाओ पुलिस को फोन अभी के अभी। ओके सर। हेलो पुलिस स्टेशन। नोटिस आई थी, मैंने रिसीव की थी, मुझे लगा थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पर अब तो अब की करा शोकी करना क्या है? दूसरा घर ढूंढते हैं, दूसरे घर में रहना होगा जिसका हम किराया भर सके। किराया भर सकेंगे? मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मुंबई है, इस शहर में रहना ही कितना महंगा है। यहाँ पे ना भले ही छोटे से छोटा घर हो लेकिन किराया उतना ही बड़ा है यहाँ का। हाँ दिव्या, तू सही कह रही है, हम वही घर ले लेंगे छोटा सा जिसका हम किराया भर सके। अरे मुंबई जरूर है लेकिन इसकी एक खासियत भी है, यहाँ हर लेवल का इंसान रह सकता है, अमीर आदमी भी, गरीब आदमी भी, और हद से ज्यादा गरीब आदमी, हर इंसान को उसके लेवल की छत मिली जाती है, हमें भी छत मिली जाएगी। मुश्किल तो बहुत होगा दिव्या, पर हम सब है ना साथ, हम साथ हैं तो
सब ठीक हो जाएगा, हम ठीक करेंगे। ठीक है अब्बा, सब तैयारियां शुरू करो, मैं कल ही यहाँ से निकलना होगा। सब लोग अपना अपना सामान पैक कर लो। ठीक है, पैकिंग कर लेते हैं। दिया, मामी जी कहाँ हैं? वो रास्ते में थी, अभी आ रही होंगी। माँ को पता चलेगा तो वो बहुत उदास हो जाएंगी। नहीं मम्मी जी, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। दीपिका, मैं तो इससे बात करने से रही, तुम भी इस घर की बहू हो, तुम समझा दो इसे हमारे खानदान के बारे में। मैं और नहीं बात कर सकती इससे। पूर्वी, ये बात सुन लो और दिमाग भी गांठ बांध कर रख लो। हमारे खानदान में ना कोई किसी से जुबान नहीं लड़ाता है। गलती होती है ना तो मानकर माफी मांगते हैं, यूं बड़ों के सामने बार बार मुंह नहीं खोलते, समझिए। नहीं भाभी, मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं तो बस बहुत हो गया। हरलीन आंटी, इसकी शादी इस घर में इतनी आसानी से हो गई ना, इसीलिए तब मुंह खोल रहा है इसका। इसने एक बार अच्छे से बताना पड़ेगा इस घर के कायदे कानून मान मर्यादा, अच्छे से बताना पड़ेगा। मनीषा प्लीज, अभी नहीं और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मोनिशा, क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि जो वो बोल रही है वो सही तो कह रही है। तुम्हें बहुत आसानी से ये घर मिल गया ना, ऐसे परोस के तुम्हें ये रिश्ता मिल गया तुझे, और तुम्हें ऐसे पलकों पे बिछा के ले आया, इसलिए तुम्हें कीमत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल कीमत नहीं है। तुम ग्रांटेड ले रही हो हम सबको। तुम्हें पता है पूर्वी, इस घर में बहू को बहू नहीं बेटी माना जाता है। लेकिन बहू का क्या, बहू को भी बेटी बनना पड़ता है। अगर हम रिश्ते बनाते हैं ना तो तुम्हें रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी। अगर हम रिश्ते निभाते हैं तो तुम्हें रिश्तों का सम्मान करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी मेहनत, समर्पण और वजह के हम सबका प्यार पाने की कोशिश मत करना। तो पहले उस प्यार के लायक तो बनो। तुम सिर्फ हम सबका दिल नहीं जीत सकती क्योंकि तुम इस घर की बहू बनी हो। अरे पूर्वी, हमने एक नहीं तुम्हें कई मौके दिए, पर आज जो तुमने किया है ना, तुमने तो गैर जिम्मेदारी की सारी हदें ही पार कर दी। और माना पूर्वी कि तुम्हारे परिवार इस वक्त बहुत मुसीबत में है, लाखों के कर्जों में डूबा हुआ है, तुम्हारे घर वालों को घर से निकाला जा रहा है, उन्हें पैसों की जरूरत है, सब समझते हैं। लेकिन कब तक तुम अपने परिवार की मुश्किलों को हमारी लाइफ में लेकर आओगे? कब तक उसका असर हमारे घर पर पड़ता रहेगा? कब तक झेलना पड़ेगा हमें ये सब? एक मिनट, ये क्या बोला तुमने, कर्जा मेरे परिवार पे? ये क्या बोल रही हो तुम? मुझसे क्या पूछ रही हो तुम? इसीलिए तो तुम्हारी वो बड़ी माँ और बुआ आए थे ना घर उस दिन पैसों की मदद मांगने। पूर्वी मल्होत्रा कौन है? जी, मैं पूर्वी हूँ। आपको अरेस्ट किया जा रहा है। मुझे क्यों करना है, मैंने क्या किया है? क्योंकि आपने हॉस्पिटल में नकली नोट दिए।
कैश दिया है नगद, और इलेक्शन चल रहे हैं, ईडी और बाकी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। मामला बहुत संगीन हो चुका है, इसलिए अरेस्टिंग अभी और इसी वक्त होगी। चलिए अरेस्ट कीजिए इन्हें, और कोई भी बीच में नहीं पड़ेगा क्योंकि मामला और भी बिगड़ सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई नकली नोट नहीं दिया, क्या कह रहे हैं ये सब? आपको जो बोलना है कोर्ट में बोलिएगा, अपनी बेगुनाही कोर्ट में जाके साबित कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास आपके खिलाफ कंप्लेंट भी है और सबूत भी। कंप्लेंट? कैसे सबूत है आपके पास? पर मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मम्मी जी पापा कुछ बोल ही नहीं, लोग मुझे ऐसे लेकर जा रहे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई नकली नोट नहीं दिया। सही समझ रही हैं आप, आपके परिवार वालों को भी लगता है जो कुछ हुआ है वो आपने किया है, इसीलिए आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया। और मदद तो दूर, किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम आपको अरेस्ट ना करें, हमसे कोई गलतफहमी हुई है या आपने कुछ नहीं किया। लेकिन नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, आपके परिवार में से आपके लिए किसी ने एक शब्द नहीं बोला। मैडम कोई नहीं आने वाला, बैठिए। हरमन पुत्र तू चल मेरे साथ, तेरी बीजी को होश आ गया। कैसी है वो? ठीक तो है पर वो। पर क्या बाऊजी, बोली ना क्या हुआ? अरे वो जिद पे अड़ी है कि उसे हॉस्पिटल नहीं रहना, उसे वापस घर जाना। बाऊजी ऐसी कैसी जिद बाऊजी, हम ये नहीं कर सकते, अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। अरे अभी तो वो होश में आई है। मैं कह देता हूँ हरली, जब तक बीजी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, उनका पूरा इलाज नहीं हो जाता है, हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते। पर हरमन जी, बीजी को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ उनकी हालत, और जैसे बाबूजी कह रहे हैं वो जिद कर रही है तो। माँ वो तो ठीक है, बात उनके इलाज की है, अभी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पर रहेंगे तो उनका इलाज हो सकता है लेकिन घर पर नहीं हो सकता, समझो ना बात को आप प्लीज। विक्रांत जहाँ इलाज की बात है वो तो हो चुका है ना, सर्जरी से हो चुके हैं, तो बस अब तो थोड़ी केयर की जरूरत है ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए, और मेरे ख्याल से घर से ज्यादा अच्छा केयर तो और कहीं हो ही नहीं सकता। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है हरलीन, पर तू एक काम कर, तू ना आराम से डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर कि हमें बीजी को ना वापस घर लेके जाना है। चल ठीक है बाबूजी, ट्राई करते हैं। चलो चलो बात करते हैं। माना पूर्वी कि तुम्हारे परिवार इस वक्त बहुत मुसीबत में है, लाखों के कर्जों में डूबा हुआ है, तुम्हारे घर वालों को घर से निकाला जा रहा है, उन्हें पैसों की जरूरत है, सब समझते हैं, लेकिन कब तक तुम अपने परिवार की मुश्किलों को हमारी लाइफ में लेकर आओगे? सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मुझे बस एक कॉल करना है, मैं कर सकती हूँ? बस एक कॉल करना है सर, प्लीज मना मत करना प्लीज। हक बनता है कॉल का, इसलिए बोल रही हो? नहीं सर, हक नहीं, फर्ज। बस एक कॉल करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज सब मना मत करना। ठीक है लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ कॉन्स्टेबल बाहर लाओ इसे। थैंक यू सर। चलो करो जिसको करना है फोन।
हेलो दिया, तू ऐसा करेगी मेरे साथ? शादी हो गई तो मैं पराई हो गई हूँ? सच में पराया कर दिया तूने मुझे? दी तू झूठ मत बोला दिया, मेरे पीछे घर में इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा था ना दिया, शादी हो जाएगी, मेरे पीछे से कुछ भी होगा तो मुझे बताएगी, कहा था कि नहीं? और तूने भी कहा था कि हाँ दी मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन तूने नहीं बताया। क्यों भरोसा तोड़ा तूने मेरा? अपना नहीं मानती तू मुझे? क्यों किया तूने? दी चुप करेगी तू? दी मैं तुझे सबसे ज्यादा अपना मानती हूँ यार, तू कुछ भी क्या बोल रही है? और कुछ पराया नहीं किया मैंने तुझे, ठीक है? हाँ तो क्यों नहीं बताया दिया, क्यों नहीं बताया? दी मैंने कोशिश की थी, मैंने सोचा भी था तुझे बताऊंगी। बोल भी, मुझे लगा था तुम अपने वकील को कॉल करोगी, इसलिए फोन करने को बोल रही हो, लेकिन तुमने अपने वकील को कॉल नहीं किया, तो पड़ी रहो यहीं जेल में। और ये लास्ट कॉल था, इसके बाद किसी कॉल की परमिशन नहीं मिलेगी तुम्हें। प्लीज सब प्लीज धीरे बोलिए, मैं घर पे बात करूं, उन्हें पता नहीं है मैं यहाँ पर हूँ। वैसे भी कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है फोन खत्म करने का और अंदर जाने का। कांस्टेबल लेके जाओ उन्हें अंदर। सर, अरे सर मेरे घर से कॉल है, अंदर जाइए। प्लीज उन्हें बताना, वो तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ पर हूँ। दिया वहां खड़े खड़े क्या कर रही है? अपने भी थोड़े हाथ पांव चलाओ, यहाँ आओ काम करो। दिव्या डांट क्यों रही हो? जो कुछ भी हुआ है वो भी तो घबराई है ना उससे, डांटो मत। मैं आती हूँ। अब तू कहाँ जा रही है? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तुझे? आ इधर मेरी मदद कर। आ रही हूँ मैं, बस दो मिनट। अरे इट्स ओके, आ जाए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम अभी उन्हें जाने नहीं दे सकते, अभी तो सर्जरी हुई है उनकी। सुन लिया आप लोगों ने, यही कह रहा था मैं। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन आप भी हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी वाइफ यहाँ हॉस्पिटल में कंफर्टेबल नहीं है, उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब, पीजी मेरी सास है, बुजुर्ग है, उन्हें अपने आसपास का माहौल थोड़े उनके पसंद का और घरेलू मिल जाएगा ना तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और रही उनकी देखभाल की और केयर की बात, तो उसके बारे में तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो मेरी सास नहीं माँ है। माँ बेटी से भी बढ़कर उनका ख्याल रखूंगी मैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ ही दिनों में हरलीन उन्हें ठीक कर देगी, फिर से सेहतमंद कर देगी। डॉक्टर साहब तो आप जिम्मेदारी लेंगी? पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, इस मामले में तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। डॉक्टर साहब, अगर हरलीन जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो मुझे कोई एतराज नहीं है कि बीजी घर आ जाए, सबके लिए यही सही रहेगा। पर डॉक्टर साहब, ये हरलीन है ना, ये वाकई दो दिन में मेरी बीजी को खड़ा कर देगी। ठीक है, अगर आप सबको यही लगता है तो आप अपनी जिम्मेदारी पे उन्हें ले जा सकते हैं, मगर मैं सिर्फ एक ही शर्त पे उन्हें ले जाने दूंगा। हॉस्पिटल से एक नर्स भी आप लोगों के साथ जाएगी, तो दवाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेगी और वो मुझे टाइम टू टाइम अपडेट भी करती रहेगी। डॉक्टर साहब ये तो और भी अच्छी बात है, आप जैसा कहेंगे, जैसा इंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप फॉलोअप्स के लिए भी कहेंगे ना, तो मैं खुद अपनी वाइफ को यहाँ हॉस्पिटल में आपके पास लेके आऊंगा। जी इससे तो हमारी हेल्प ही होगी, तो ग्रेट, हम बीजी को घर ले जा रहे हैं। हरलीन, बीजी हमेशा बिल्कुल सही कहती है, हमारा घर हमारा परिवार तुझी से है, प्राउड ऑफ यू। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, doctor. Thank you. Excuse me, sir. जो पूर्वी दी से एक बार मिलना है, क्या मैं दी से एक बार मिल सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई देखने या उनसे मिलने नहीं आया। दी से मिलने कोई नहीं आया अब तक? कोई नहीं आया, एक बंदा भी नहीं। आप जाओ मिल लो उनसे। कॉन्स्टेबल इनको पूर्वी के पास लेके जाओ। थैंक यू सर। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ। मुझे अरेस्ट कर लिया जबकि मैंने कुछ नहीं किया, और मैंने सबसे कितना कहा, माँ से, पापा से, दादू से भी, पर किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, कोई आगे नहीं आया मेरी मदद करने। दिया तू यहाँ क्यों आई? तुझे नहीं आना चाहिए था। तू दी पहले मुझे ये बता, तुझे अरेस्ट क्यों किया गया? और तेरे ससुराल वाले कोई यहाँ दिख क्यों नहीं रहे? कोई आया नहीं कि तुझे छुड़ाने यहाँ पर? बोलना। और किसी का कॉल भी नहीं आया हमको घर पे, क्या है? क्योंकि मेरी दादी
दादी सीढ़ियों से गिर गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी हालत बहुत खराब है, ऐसे में उन्हें छोड़कर नहीं आ सकते थे। ओके, पर तुझे अरेस्ट क्यों किया है? तू क्या मुझसे सवाल कर रही? तू बता मुझे, क्यों नहीं बताया तूने मुझे? क्या हो रहा है ये सब? इतना कुछ हो गया, फैमिली पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तूने मुझे नहीं बताया? और माँ, माँ कैसी है? तुम लोग सब कुछ कैसे हैंडल कर रहे हो? इतना सब कुछ हो गया, बताओ मुझे कैसे हुआ ये सब? इतना लाखों का कर्जा कैसे हो गया? पाशु जी की शादी में हम सब बिजी थे, तभी ऑर्डर कैंसिल हो गया, नहीं रहा हमारे पास। 25 लाख का नुकसान हो गया, मार्केट से जो पैसा उठाया वो अलग, उसका ब्याज वगैरह सब। 43 दिन के बाद एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा, और तब तुम्हारे मकान में नहीं छोड़ूंगा। और फिर ऐसे हम पर लाखों का कर्जा हो गया, पर मुझे बता ना, मुझे अरेस्ट क्यों किया है दी? नकली नोटों की वजह से। नकली नोट? दादी हॉस्पिटल में थी तो मैं कैश देने गई, अब मुझे नहीं पता वहाँ पे नकली नोट कैसे आ गए, और पुलिस आई, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ, कोई कुछ कर भी नहीं पाया। पर तू चिंता मत कर, मेरे घर वाले ना पक्का वो आएंगे, वो मुझे छुड़वाने आएंगे, वो मुझे पता है, वो पक्का कोई वकील ढूंढ रहे होंगे मेरे लिए। तू चिंता मत कर, सब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और दिया, तू मुझे एक प्रॉमिस कर, तू घर पे कुछ नहीं बताएगी। ठीक, पागल हो गई है? तू यहाँ पे अकेली जेल में, और मैं घर पे किसी को कुछ नहीं बताऊँ? तू कुछ नहीं बताएगी। पर क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, घर वाले ऑलरेडी प्रॉब्लम में, तू क्या चाहती है सब बता के मैं उन्हें और प्रॉब्लम में डाल दूँ? और मेरे घर वाले नहीं आए तो क्या हुआ? मुझे पता है वो आएंगे, वो मुझे निर्दोष साबित कराएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पर तू मुझे प्रॉमिस कर दिया, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। तू प्रॉमिस कर मुझे, देख अगर तूने मुझे प्रॉमिस नहीं किया ना, मैं तुझे कसम दूंगी। अरे ठीक है ना, नहीं बताऊंगी किसी को, तू ये कसम मत दे मुझे, पक्का नहीं बताऊंगी किसी को।